की राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं अंशिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में सरकार ने महंगाई के दौर में आम जनता और कुछ मुलाजिमों को राहत दी है। अब प्रदेश में दिहाड़ी 350 रुपए हो गई है, वहीं महिलाओं के लिए बस किराया आधा कर बड़ी राहत दी है। इस बीच होमगार्ड जवानों के मानदेय में भी इजाफा हो गया है। अब और कौन से कर्मचारियों को सरकार राहत देने वाली है, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। महंगाई के बीच बड़ी राहत। जी हाँ, महंगाई, देखिए राजेश, ये तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि महंगाई से हालत खराब है। बिल्कुल, कोई चीज देख लीजिए आप, बहुत बहुत महंगी है। राजेश, राहत की खबरें भी जरूर आ रही हैं। सबसे पहले तो दिहाड़ीदारों की बात कर रही है हिमाचल के, क्या तोहफा हुआ है, क्या हुआ है? बिल्कुल, देखिए अब चुनावी साल जहां तक है अग्निहोत्री जी, तो सरकार अब सीधे तौर पे जनता के द्वार आ गई है। लोगों को साधने में सरकार एक तरह से जुट गई है। आम आदमी को भरपूर कोशिश की है सरकार ने राहत देने की। और हिमाचल प्रदेश सरकार की बात कर ले तो कामगारों की दिहाड़ी अब प्रदेश में 50 रुपए बढ़ाने के आदेश हो गए हैं। 1 अप्रैल 2022 से आदेश प्रभावी हो जाएंगे और 1 अप्रैल से मिलना दिहाड़ी एरियर हो जाएगी, एरियर इनका दिहाड़ीदारों का बन जाएगा, अधिसूचना हो गई है। और अगर हम दिहाड़ी देख लें तो 350 रुपए अब दिहाड़ी मिनिमम हिमाचल प्रदेश में सरकार ने कर दी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि महीने का 10,500 रुपए अब एक कामगार की एक तरह से सैलरी अब फिक्स हिमाचल प्रदेश में कम से कम हो गई है। तो महंगाई के दौर में ये बहुत बड़ी राहत एक आम जनता के लिए, आम दिहाड़ीदार के लिए सरकार ने एक तरह से दे दी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने देखिए कितने डिटेल में बताया और आसान शब्दों में समझाया कि इसके मायने क्या है दिहाड़ी बढ़ने के। राजेश, एक और चीज, एक और वर्ग है होम गार्ड्स। जी है राजेश, देखिए ये अलग बात है कि नीति नहीं बनी है, चाहते हैं कि इन्हें या तो विभाग में ही पुलिस में कर लिया जाए एडजस्ट, या फिर फायर ब्रिगेड में, अग्निशमन विभाग में, ये तो नहीं हुआ। लेकिन ऑनरेरियम बढ़ा दिया राजेश, ठीक ठाक बढ़ा दिया है, कैसे देखते हैं आप इस चीज को? बिल्कुल, देखिए होमगार्ड जवानों को भी एक तरह से सरकार ने राहत देने की कोशिश की है। और क्योंकि होमगार्ड जवान सरकार से पॉलिसी की मांग कर रहे हैं और पॉलिसी में बड़ी बात जो कह रहे हैं अग्निहोत्री जी, वो ये है कि साल भर इनको रोजगार का सरकार प्रबंध करे, ये इनकी सबसे बड़ी मांग है। जहां तक इनकी दिहाड़ी या मानदेय बढ़ाने की बात है, 208 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सरकार ने इनके मानदेय में इजाफा कर दिया। इसकी अधिसूचना पिछले कल जारी हो गई है। पहले 675 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से इनको दिए जाते थे, अब 883 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से इनको मिलेंगे, यानी कि महीने के 26,942 रुपए जो मानदेय है वो होमगार्ड जवानों का मिलेगा। बिल्कुल। अब बड़ी बात यह कि 550 के करीब ये जवान जो है अग्निहोत्री जी, वो सरकार, क्योंकि सरकार लगातार पहले भी, इससे पहले अगर हम देखते हैं तो सरकार ने इनसे एक वादा भी कर रखा था कि सरकार आपकी बेहतरी के लिए दिन रात जुटी हुई है, काम करेंगे। पॉलिसी इनका सबसे बड़ा एक सरकार से एक मांग है, क्योंकि सरकार की एक मजबूरी भी थी अगर इनकी, क्योंकि पुलिस पे बैंड में करेक्शन के बाद पुलिस जवानों को तो लाभ मिल रहा था। अब सेम जब ड्यूटी नेचर दोनों का है, बराबर एक तरह से ड्यूटियां होमगार्ड और पुलिस जवानों की हैं, तो उनमें जो सरकार को जो डिस्पैरिटी आ रही थी उसको खत्म करने में सरकार ने बड़ा महत्वपूर्ण कदम ये लिया है, जो इन होमगार्ड जवानों की सरकार ने मानदेय बढ़ाया है, राहत दी है महंगाई के इस दौर में होमगार्ड जवानों को। जी राहत दी है, हालांकि देखिये होमगार्ड हिमाचल के होमगार्ड ये बोलते हैं कि देखिये ये तो पैसे तो बढ़ा ही दीजिए, साथ ही वो कहते थे, आपने भी जिक्र किया कि 365 दिन हमें काम रोजगार, लेकिन वो कह रहे थे कि देखिये जी अभी भी घर बैठना पड़ता है। बिल्कुल, सरकार तो 1,000 और होमगार्ड भर्ती करने जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि दूसरे लोगों को मौका देना है, लेकिन इसको अगर आप ट्रांसलेट करें तो इसकी ट्रांसलेशन ये होती है कि फिर ज्यादा दिन लोगों को घर बैठना पड़ेगा। तो ये भी थोड़ा एक चीज होगी, अब देखते हैं ये कैसे मैनेज होती है। अच्छा राजेश, महिलाओं की भी जिक्र कर ही लेते हैं इससे पहले कि हम मसले पे आगे बढ़े, महिलाओं को भी तो फायदा मिला है। अधिसूचना नहीं जारी हुई है लेकिन मंत्रिमंडल ने निर्णय ले लिया, मतलब कभी भी किसी भी क्षण ये हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि जो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं हिमाचल के, वो बहुत परेशान है। जी राजेश, बिल्कुल सही है। देखिए महिलाओं का जो बस किराया है वो आधा कर दिया है और प्रदेश के भीतर महिलाओं को ये सुविधा एचआरटीसी की बसों में मिलने जा रही है, जहां महिलाओं के लिए बस किराया आधा हो जाएगा। मंत्रिमंडल से ओके इसकी मिल गई है। अब एचआरटीसी इसके आदेश अपने तमाम जो उनके आरएम हैं उनको निकाल के एचआरटीसी प्रबंधन इसको लागू करने जा रहा है। अगर हम एचआरटीसी की ही बात कर ले अग्निहोत्री जी, तो सरकार का एक तरह से जिस तरह का ये मास्टर स्ट्रोक इस चुनावी साल में है, उससे एचआरटीसी को एक दिन में 72 लाख का एक तरह से नुकसान झेलना पड़ेगा। हालांकि सरकार ने कहा कि एचआरटीसी क्योंकि पहले ही 1500 करोड़ के करीब घाटे में है, सरकार उसकी मदद करेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर एचआरटीसी
अपने वित्तीय संसाधनों के दम पे आगे बढ़ना चाहेगी तो फिर संकट उसके सामने या चुनौती उसके सामने खड़ी हो गई है। चुनौती अब सरकार के सामने भी है कि सरकार मंत्रिमंडल ने तो ओके कर दिया है, लेकिन निजी जो प्राइवेट बस ऑपरेटर हैं वो सरकार के इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं और उनका यह कहना है कि वो सरकार के इस फैसले के खिलाफ अब वो याचिका दायर करेंगे, क्योंकि सरकार महिलाओं के लिए बसों में सरकारी बसों में 50% जो ये फैसला लिया है सरकार ने बस किराया माफ करने का, वो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ये है कि निजी और HRTC की बसों में एक बराबर किराया होना चाहिए, किराया में मतलब अंतर नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सरकार अवहेलना कर रही है तो निजी जो बस ऑपरेटर हैं अब इस फैसले के खिलाफ हो गए हैं, सरकार से इस फैसले पर दोबारा से सोचने की वो अपील सरकार से कर रहे हैं। जी, निजी बस ऑपरेटरों का दर्द ये है, देखिए समझा जा सकता है कि जब आधा किराया होगा ना सीधा ही जी, तो लोग HRTC की बस, खासकर महिलाएं HRTC की बस में ही बैठेंगी लोकल से, बिल्कुल और लोकल रूट्स पे प्राइवेट बसेस दौड़ती है, जाहिर है फिर तो इंतजार होगा ही ना, क्योंकि किराया कौन कोई कम थोड़ी है हिमाचल में, हिमाचल में किराया तो मेहमत से सबसे जी जी बिल्कुल। जब यही नुकसान होता है राजेश, जब अब देखिए पहले कहा जा रहा था ना किराया बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, अब फिर जो इतना बढ़ गया है कि आधा जो है उसको बहुत ज्यादा दिख रहा है जी, आधी छूट भी बहुत बड़ी दिख रही है। पर खैर, अगर किराया बराबर रखना है तो क्या सरकार कुछ ऐसा कर सकती है कि निजी बस ऑपरेटरों को थोड़ा फायदा दे के उनको वहां ले आए, अदरवाइज देखिए अगर ये हुआ तो दूसरा चीज एक और भी अग्निहोत्री जी, कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल के रेट भी कम किए हैं, लेकिन क्या किसी ने किराया घटाने की कोशिश की या क्या किसी ने ये कहा कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल के रेट कम किए हैं तो अब सरकार को किराया भी घटाना चाहिए? आम आदमी के सिवा इस सवाल को कोई नहीं उठा रहा है। जी जी वही है जो जेब में आ गया वो मेरा है। अच्छा आगे चलते हैं राजेश, जनता को आम जनता को देखिए, जो ना दिहाड़ीदार है ना होमगार्ड्स हैं ना ही वो महिलाएं हैं, बिल्कुल आम आदमी को, एक आम हिमाचली को भी तो फायदा मिल रहा है। बिजली के रेट देख लीजिए, पानी के रेट देख लीजिए, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है, देखिए पानी का बिल तो अगर कहें तो बहुत बड़ी राहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरकार देने जा रही है। 15 अप्रैल को चंबा के चौगान से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो घोषणा की थी गांव के पानी के बिल माफ करने की, उस पे भी मंत्रिमंडल ने मोहर लगा दी है, पानी के बिल माफ हो गए। आने वाले दिनों में बात करें तो बिजली पे बहुत बड़ा फैसला वहां हुआ था, जहां 125 यूनिट सरकार ने बिजली बिल माफ करने की बात कही थी, अब जुलाई से वो लागू हो जाएगा। हालांकि उसमें पर बड़ी बात यह है कि 60 यूनिट का जो फैसला सरकार का था वो हिमाचल प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के जीरो बिजली के बिल आए हैं अग्निहोत्री। 10 लाख का फिगर कम नहीं होता है 70 लाख के बाद में, तो 10 लाख को 60 यूनिट का लाभ मिला है तो कैलकुलेट कर लीजिए 125 यूनिट तक कितने लोगों को लाभ मिलने जा रहा है। तो महंगाई के इस दौर में ये बहुत बड़ी राहतें आम आदमी के लिए सरकार ने दी है। जी देखिए, और अभी पता लग रहा है हिमाचल को महसूस हो रहा है कि हम ऊर्जा राज्य में हैं। बिल्कुल, अब पता लग रहा है कि हमारे यहाँ बिजली बनती है तभी हमारे पास रेट का, अब घर की चीज है ना जी, थोड़ा ज्यादा हो जाता है घर में। अच्छा राजेश, मैं जल्दी से जाऊंगा राजेश, समय कम होता जा रहा है हमारे पास, दिहाड़ी बढ़ गई जी, ये बात तो सही है राजेश। आपने ये भी बता दिया कि 10,500 रुपये दिहाड़ीदारों को, जो सरकार के यहाँ भी काम करते हैं वैसे, बिल्कुल। लेकिन राजेश इसका एक दूसरा पहलू भी है, बहुत से लोग किसी भी तरह से है ना, आप उनको अगर कर्मचारी ना भी कहें, सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी तनख्वाह या ऑनरेरियम आप देखिए तो 10,500 रुपये से कहीं कम है, बिल्कुल। तो यह चिराग तले या धीरे वाली बात नहीं है, एक तरफ सरकार स्वयं बोल रही है कि हमने दिहाड़ी इतनी कर दी है, तो क्या टेक्निकलिटीज में सब रखा है कि नहीं जी आप दिहाड़ीदार हम आपको मानते नहीं है इसलिए आपको हम कुछ भी देंगे जी, कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही है, देखिए सबसे बड़ा सवाल तो अब यही है अग्निहोत्री जी कि क्या यह जानबूझकर किया जाता है या फिर ये योजना ड्राफ्ट करती वक्त इस चीज को भुला दिया जाता है, सबसे बड़ा सवाल ये है। अभी अगर हम उदाहरण अगर इसके देखें तो मल्टीटास्क जो वर्कर हैं उनकी भर्ती होने जा रही है, सैलरी वहां 4500 और 5600 सरकार ने फिक्स कर रखी है कि हम इतना पैसा देंगे, अगर उस लिहाज से देखें तो दिहाड़ी बन रही है 150 रुपए और बन रही है 187 रुपए, इससे ज्यादा दिहाड़ी नहीं बन रही है। पार्ट टाइम वर्कर है जो जिनको घंटों के हिसाब से सरकार पैसे दे रही है उनकी दिहाड़ी कहां है? पंचायत चौकीदार है अग्निहोत्री जी 233 रुपए दिहाड़ी पे वो काम कर रहे हैं और वो भी तब कर रहे हैं जब सरकार ने अभी उनके पैसे बढ़ाए हैं। तो आप ये देखिए कि 350 रुपए जो दिहाड़ी सरकार ने कर रखी है, फिर इससे कम अगर पैसा किसी को दिया जा रहा है तो क्या पॉलिसी है,
या क्या कर्मचारियों को या अपने लोगों को एडजस्ट करने की बात है या कुछ और खेल इसके पीछे चल रहा है? ये सवाल भी है और ये सरकार से जो जनता जवाब चाह रही है, लोग जवाब चाह रहे हैं, यही सबसे बड़ा जवाब चाह रहे हैं। जी राजेश, बिल्कुल। दिहाड़ी कैसे डिसाइड होती है राजेश? बहुत से फैक्टर देखे जाते हैं, महंगाई कितनी है, क्या है, इंसान की मिनिमम जरूरतें क्या है। बिल्कुल। तो जब मिनिमम जरूरतों के हिसाब से मिनिमम दिहाड़ी दी जा रही है ना राजेश, तो फिर उनका क्या जिनको इससे आधा भी नहीं मिल रहा है? सही है, सोचने की बात है राजेश। एक और चीज इससे जुड़ी हुई, प्राइवेट सेक्टर में भी तो यही रोना होता है ना बहुत सी। बिल्कुल। कि पैसे कम मिलते हैं जी, तो जब सरकार के पास खुद ही दो तरह के नियम है तो फिर नीचे की तरफ को कौन उस चीज को बोल पाएगा जी? क्या आपकी राय राजेश? जल्दी से, समय बहुत कम है। बिल्कुल सही है। देखिए, निजी क्षेत्र तो जाना ही जाता है अग्निहोत्री जी, कम पैसे में ज्यादा काम के अधिकतर जगह। बिल्कुल, अधिकतर जगह पे यही है कि जितना कम पैसा होगा उससे ज्यादा काम लिया जाएगा। अब जब सरकारी दायरे में देखिए 350 रुपए से, मतलब 10,500 रुपए से कम दिहाड़ी हो नहीं सकती है, लेकिन प्राइवेट कुछ ऐसे वर्ग है जिसमें सामने निकल के ये आ रहा है कि जिनकी दिहाड़ी 150 रुपए बन रही है। अब प्राइवेट सेक्टर तो कोशिश करेगा कि हमें अगर 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से व्यक्ति जाए तो हम तो उस पे काम करवाएंगे। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि नियम किसी के लिए भी डिसाइड नहीं है, नियम सिर्फ उनके लिए डिसाइड हुए या उनके लिए तय हुए जो रजिस्टर्ड कामगार हैं, जिनका चाहे पीएफ कटता है, जो श्रम मंत्रालय में, निदेशालय विभाग में जो रजिस्टर्ड है उनके लिए तो तय है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है, उनके लिए परफॉर्मेंस सबसे बड़ा नियम है। जी राजेश, बिल्कुल सही बात है। और अगर सरकार फिर अपने लिए दो नियम बनाएगी तो प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं बनेंगे? फायदे के लिए काम कर रहे हैं ना जी अपने। राजेश, अंतिम प्रश्न है मेरा, आम जनता से जुड़ा सवाल है जी। सरकारी दिहाड़ी बढ़ने से, चलिए ये तो 350 हुई, लेकिन ये सीधे सीधे ट्रांसलेट हो जाती है अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देखें, डबल ऑलमोस्ट। बिल्कुल। तो यहाँ दिहाड़ी बढ़ते ही आज ही ये लगा है फील्ड से पता कि कई जगह पे मजदूरी जो हो रही है, जहाँ पे खासकर निर्माण संबंधी काम जो हो रहे हैं वहाँ बता दिया उन्होंने, जो मिस्त्री हैं या उनके साथ जो मजदूर हैं, कि जी हमारे पैसे तो बढ़ गए कल से। बिल्कुल। अब आप बता दीजिए आपने क्या करवाया जी, कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? पहले से ही ये जो आपके सीमेंट, सरिया, रेत सब कुछ महंगा हो रखा है। बिल्कुल है ना जी, वो दौर तो गए जब आप रेत खट से ले लेते थे, पत्थर पास में से उठा लेते थे, अब नहीं उठा पाएंगे, अब तो आपको ठेकेदार को भुगतान करना पड़ेगा जाके। बिल्कुल, है ना, तभी मिलेगा। अच्छा, और साथ में राजेश ये सारी चीजें हैं तो कितने लोग अब अपना घर बना पाएंगे? बिल्कुल, देखिए महंगाई से तो पैसे पिस रहे हैं। देखिए, महंगाई की जहां तक बात है, घर बनाना बहुत मुश्किल काम अब हो गया, सीमेंट सरिये से लेकर, हालांकि थोड़ा सा सरिये के दाम में राहत मिल रही मतलब है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, चाहे रेत है, चाहे बजरी है, चाहे सीमेंट सरिया या ईंट है, हर कहीं महंगाई की मार है। जीएसटी जिस तरह का इजाफा हुआ है वहां से संकट खड़ा हो गया है। दिहाड़ीदारों की आपने बात की अग्निहोत्री जी, सरकारी की बात कर लेते हैं श्रेणीवार। अकुशल कामगार का 350 रुपए डिसाइड अब हो गया है। सड़क निर्माण में जो जुटे हुए हैं अर्ध कुशल कामगार है, 371 रुपए 70 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से उनका तय हो गया। कुशल कामगार को 460 रुपए 36 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से मिल रहे हैं। उच्च जो कुशल कामगार है उसको 483 रुपए 11 पैसे का भुगतान सरकार कर रही है, और लिपिक या गैर तकनीकी जो पर्यवेक्षक हैं उनको 406 रुपए 35 पैसे सरकार ने डिसाइड कर दिए हैं। दुकानों पर काम करने वाले या वाणिज्य संस्थानों में काम करने वाले, चाहे राशन कार्ड जो डिपो होल्डर है, चाहे वो है, चाहे कोई और है, अर्ध कुशल जो कामगार है 369 रुपए 93 पैसे मिलेंगे, और कुशल कामगार को 406 रुपए 36 पैसे मिलेंगे, उच्च कुशल कामगार को 422 रुपए 85 पैसे मिलेंगे, और फैक्ट्री या कारखाने में जो काम करने वाले हैं वह अर्ध कुशल कामगार को 360 रुपए 92 पैसे वहां उनकी दिहाड़ी बन गई है, कुशल कामगार की 406 रुपए 36 पैसे और उच्च कुशल की 483 रुपए 17 पैसे जो सरकारी अदायरा वहां ये डिसाइड हुआ है। निजी सेक्टर की बात कर ले अग्निहोत्री जी, स्किल्ड लेबर 800, 1000 और 1200 तीन पैरामीटर तय है, जहां एक मिस्त्री जो कुशल कारीगर है उसकी दिहाड़ी इस तरह से डिसाइड कर रखी है। मजदूर कम से कम 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिहाड़ी लेता है, लेकिन अब जिस तरह के आदेश सरकारी दायरे के लिए आए हैं और महंगाई जिस तरह से बढ़ी है, हर चीज के रेट बढ़े हैं, मान लीजिए गांव में या काम करने वाले, जिस तरह घर बनाने का चाहे एग्जाम्पल आपने दिया, वहां भी अब मजदूरी के रेट बढ़ने जा रहे हैं। जी राजेश, बिल्कुल सही बात है। देखिए, इसमें एक वर्ग को तो फायदा होगा ही होगा, जो काम कर रहा है उसको फायदा है, उसको होना भी चाहिए, लेकिन नीति ऐसे बननी चाहिए कि जिसने अपना थोड़े से पैसे जोड़ के ऐसा सोचा होगा कि मैं दो कमरे बना लूं, सिर्फ छत बना लूं, वो कहां बना पाएगा राज? ये राज सेम वैसा ही है जैसे कि हिमाचल में भी ये कहा जा रहा है, अब इलेक्शंस का टाइम है, कि जी हम दूध जो है 70 रुपए लीटर कर देंगे, हालांकि लीटर नहीं किलो बोला जाता है, उतना कर देंगे। अब फिर जब वो बिकेगा राजेश, तो हम आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो उस दाम पे दूध खरीद पाएंगे? दूध खरीदेंगे, आटा खरीदेंगे, सब्जी खाएंगे या मसाले खरीदेंगे? पता नहीं ये कैसे होता है। ठीक है, दूध के रेट तो बढ़ने चाहिए,
हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ या हम लोग तो कहते हैं कि 80 रुपए हो जाए, लेकिन क्या वो फिर आम आदमी को 85 रुपए में मिलेगा क्या दूध? बिल्कुल है ना, या फिर वो सरकार अपनी तरफ से उसने कुछ नीति बनाई है, अगर वैसे बनाई है तो सामने आनी चाहिए।